उन्नाव में बलात्कार की घटनाओं को लेकर एक और सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में 2 साल पहले दलित लड़की के साथ कुछ लड़कों ने गैंगरेप किया था और फिर MMS बनाकर वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी। लगातार बलात्कार इस वीडियो के सहारे ये आरोपी करते रहे। वहीं इस बीच किसी लड़के ने वीडियो को वायरल कर दिया, जिसके बाद पीड़िता ने परिजनों को इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी और फिर मामला पुलिस तक जा पहुंचा। फिलहाल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकियों की तलाश जारी है। मार्केट जा रहे थे कपड़े खरीदने के लिए, तो वहाँ से आए, बोले 4 रुपये की गाड़ी, बोले तभी मैंने कहा हाँ, हमने बैठ लिया वहाँ पर, 4 लड़के उसके अंदर थे, हमें कोई नशीली दवा सुंगा दी, हम बेहोश हो गए, कुछ कुछ होता था, फिर जंगल की ओर ले गए थे, तो वहाँ पे हमारे साथ गलत काम किया, हमारा वीडियो बनाया, मैं डराया धमकाया, बंदूक लेकर हाथ बांध लिए थे। किसने किया ये? उनवा के लड़के थे। क्या नाम है? आवेश सैनूर। और दो लड़के और थे, हम नाम नहीं जानते, पहचान और धमकाने लगे, मेरे भाई को मार देंगे, मम्मी पापा को मार देंगे, पेट दे चला देंगे, यही तरह धमकाने थे। उनके पास जाने लगे मिलने के, जब ज़्यादा परेशान हो गए नहीं गए, कोई वीडियो बदले फेल कर दिया। 2 साल पहले की बात है, वर्ष 2016 के, इसका कहना है कि इसी के गाँव के 3 लड़के थे, एक अवेश करके है और उसकी भाभी और 2 अन्य अज्ञात, ये लोग ने इसके साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया और उसका वीडियो बनाया और वीडियो वायरल करने का धमकी दे करके 2 साल इसके साथ में दुष्कर्म करते रहे। लास्ट बार इन्होंने इसी अप्रैल 18 को इसका कहना है कि उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके संबंध में कल मुकदमा प्रसंग ब्रैकेट में 5 SC/ST एक्ट का मुकदमा कायम किया गया है और कठोरतम कार्रवाई इसमें कराई और 1 मुलजिम जो मेन मुलजिम है उसको गिरफ्तार किया गया है।